अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तुम्हें ऐसे तना कर। दोस्तों भाई जी आमलेट पे पेट्रोल छिड़क के दे दो। मैं करूँ कुछ तो काम कराओगे ना आप लोग? वो बहुत ठंडे रिएक्शन थे क्योंकि इसकी वजह से उसने मेरा बैग चेक करके सबको बताया था, मैंने उसको आगे बताया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर सहरी की व्लॉग। सो आज है 16वां रोज़ा, 16वीं सहरी, और मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मैं अभी सो के उठी हूँ। सो चलें चलते हैं, अब जो है ना 4 बजने अभी टाइम है, लेकिन चलते हैं और देखते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। आज की जो सहरी है ना वो मैंने पहले से इसलिए स्टार्ट कर ली क्योंकि मैं अभी सो के उठी थी, और सो के उठने के फ़ौरन बाद मुझे जाना था किचन में। मैंने सोचा क्यों ना किचन में मैं आपके दिखा ही लूँ आज क्या बन रहा है। चलिए भाई चश्मे पहनते हैं, अपनी दुनिया को हम धुंधले की वजह क्लियर करते हैं, फिर चलते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या बन रहा है। A few minutes later, यहाँ बन रही है रोटी, रोटी बल के बन नहीं रही, जल रही है क्योंकि जो है ना भाई आज गैस बहुत अच्छी आ रही है, और साथ यहाँ पर अप्पी भी आई हुई है। तो भाई हमारे यहाँ जो है ना अम्मी का हाथ बट गया रोटी बनने में, और यहाँ पर ही आ गई है चाय, जो जिसमें ना तो पत्ती है और ना ही कुछ है। तो अभी रख रही हूँ चाय, ये पत्ती डल गई है अभी चाय बन रही है, ना पत्ती डल गई है, ये पत्ती डल गई है। ये तो ब्लॉग के अंदर भी ताने मरती हाँ, तो पिछले ब्लॉग में उन्होंने मुझे भी मारा था ताना, ऑन ट्रेंड शेव आपने देखी थी ना उसमें जाके, जैसे मैंने अंडा फ्लिप किया था। ये देखो ये सुबह सुबह ये लोग लड़ रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि हम लोग उठा रहे हैं। वो सारा दिन कूटेंगे मार ले, नहीं मेरे में गजब बेइज्जती है। रमजान का रोज है, मैं तो मेरे से देखे सामने आ रही है बातें बच्चों की, हम लोग उठाते जरूर है लोगों को ब्लेंडर चला के हथौड़ी से कूट के, लेकिन इस तरह नहीं करते उठाते। ये नए मेंबर की आमद की वजह से जो है ना शोर ज्यादा हो गया हमारे घर में। तू है कौन रे? हाँ गेट तुम आइयो, हम नहीं आए। अम्मी को गेट उड़ो, ये बाजी सकीना अम्मा को बयान देते हुए। अम्मा सकीना चले जी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, दही बना लेते तब होश में आ जाती हूँ। फिर सब सब आज कुछ बनना है? दही बनाओ, अंडे बनने, पनीर बनना है, अंडा बनेगा, पनीर अंडा रहेगा, पराठे रहेगा, हाफ बॉइल वो हाफ फ्राई, तीन अंडे तलना था, तुम खाओगे ना? हाँ ये अंडा आमलेट बना लेना, नहीं और भी नहीं आना, भिंडी रोज तो खाएगी नहीं, पेट्रोल आमलेट पे पेट्रोल छिड़क के दे दो। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये खुद ही बोल रही है हाँ सर, उसके यहाँ अंडा फ्राएगा बोल रही हूँ तो ये पहले क्यों बोल रही है हमने बनाया? ना मुझे तो मैं काट क्या काट पाई हो? यस मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, इससे पहले इनसे बेलन बड़े मुंह पे यहाँ पर भाई आने बनते बनते अंडे उठाने पर आ गए। मैं आपको बोली थी ना पिंडी गोश्त का, ये देखो ये रहा हमारे घर में दुनिया जहाँ के गोश्त बनते हैं, चिकन भी बनाऊंगी हमें पिंडी गोश्त। ये आ गया अंडा घोटाला, आमलेट बनते बनते पोस्टपोन, मैंने बनाया ये। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने ही बनाया, प्याज अम्मी ने काटी, बाकी तो मैंने डाला, टमाटर भी अम्मी ने काटा है। हेलो गाइस, मैं यही से एंड करते हैं, इसने इसे अंडे डाले, मसाला भी मैंने डाला, मसाला भी अम्मी ने डाला है। जलाला कम की कभी मैं सामने इज्जत ही नहीं रखती ताकि जो भी जला ला था, ये सारे के सारे ना इधर रखते हैं, कर लो आगे से फ्रंट कैमरा नहीं बैक कैमरा खुला हुआ। तो चले चलते अब थोड़ी देर बाद, अब दस्तखान बिच्छू बिच्छू का है,
मैं ये नहीं बोल रही थी, यही आवाज आएगी मेरी, पीछे है बिछाया मैंने भी है। अब मैं क्या करूँ, कुछ तो काम कराओगे ना आप लोग। मैं क्या करूँ, किसको खाऊं? क्या करूँ, मर जाओ। क्या करें, मर जाए। चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, सैरी के बाद। So, सैरी हो चुकी है। सैरी होने के साथ साथ ना सब सो भी चुके हैं। अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो हो रहा है 7:05। सो मैं अभी आई थी यूनिवर्सिटी, सब मैंने कपड़े पहन पहन के सब तैयार हो गई हूँ। सो मैं अभी आई थी पिंस वगैरह लेने के लिए, पिंस ले लूँ स्कार्फ पे लगाने के लिए। मैंने सोचा मैं ब्लॉग को भी थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप करके जाऊँ, क्योंकि फिर मैं यूनिवर्सिटी से आऊँगी तो भाई अवतार से 15 मिनट पहले ब्लॉग स्टार्ट हो रही होती है, और फिर उसके बाद जो है जल्दी जल्दी काम हो रहा होता है, सो टाइम नहीं मिलता भाई। सो अब चलते हैं, सबके अलार्म बजने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि किसी को 7 बजे कहीं जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है। 7 बजे तो नहीं होगा, 7:30 बजे चले, हमारे यहाँ पहले से अलार्म लग जाते हैं। सो अभी जो बाहर का मौसम हो रहा है ना भाई, बड़ा मज़ेदार सा हो रहा है, कह सकते हैं ये सुबह वाला मौसम है, और जो सुबह वाला मौसम है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है। इसके साथ सुबह का मौसम है, अभी 9 बजे ही अच्छे से धूप निकल आएगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना, मैं स्क्रब खिला गया था वो मैं निकाल लेगी, क्योंकि इसको ना वो करना होगा ना, इस्त्री करना होगा। आधी ज़्यादा ज़िंदगी तो मेरी इस्त्री करने में निकल जाती है यार। सो चले चलते हैं, इस्त्री करते हैं। इस व्लॉग को मैं यही स्टॉप कर दिया, और मिलती हूँ आपसे इफ्तार के टाइम पे। अभी मैं जरा नकाब बांध लूँ, कपड़े इस्त्री कर लूँ, या स्क्रब बैग में रख लूँ, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे इफ्तार पे। मेनी आवर्स लेटर। हाँ जी, तो आज की इफ्तारी जो है ना तकरीबन बाहर से, क्योंकि सिर्फ पकौड़े घर में बने हैं और फ्रूट चाट, क्योंकि आज जो है ना अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से अम्मी को जो है ना वॉमिट हो गई। तो हम लोगों ने बहुत कम चीज़ें बनाई हैं, और यहाँ पर ये मेरी वीडियो, हाँ सब बाहर से आइए, बता दिया मैंने। सो आज की वीडियो में एक सरप्राइज़ ये भी है कि मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, जो कि मैंने अम्मी को नहीं बताया था। मैं स्कॉलरशिप्स के लिए ना अप्लाई करती रहती हूँ, लेकिन मैं जो है ना अम्मी को बताती नहीं हूँ। सो उस पर जो है ना मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप का पहले चेक मिला है, सो मैंने अभी अम्मी को दिखाया नहीं है। चलिए चलते हैं, मैं अम्मी को दिखाती हूँ, और स्कॉलरशिप का चेक मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए मैं आया है, और अभी जो है ना अफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो चलिए चलते हैं अफ्तारी जो है ना करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारे दस्तखान में क्या क्या चीज़ें हैं। सो चलिए चलते हैं, स्कॉलरशिप का चेक जो है ना मैं आपको इफ्तार के बाद दिखाती हूँ, आराम से फ्री होकर आराम से। आप लोग भी इफ्तारी कर लें, मैं भी इफ्तारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। रोजा भी खोल लिया, पकौड़े खा रहे हैं, केचप रह गई है। चलो भाई जल्दी से भेलपूरी मिक्स करो, पिछली दफा निकाल के ही नहीं थी, इस दफा निकाल के देना। तू है कौन रे? पकौड़ा खस्ता हुआ है। आ जाओ मम्मी सर, आ जाओ बैठ जाओ। खस्ता पकौड़े आ जाओ। बड़ी बच्चा लेकर आओ, मैं वहीं आ रही हूँ, मैं वहीं आ रही हूँ, तो यहाँ वीडियो बनाने बैठी हूँ। इसको बड़े भगोने मिक्स करें भैया, इधर नहीं किया ना मैंने अभी, अभी जब मैं इधर करूँगा तब करना सही है। खानी ऑरेंज वाली आलू जहर भी रहना मरिया ना। अच्छा इनके तो ये वाले आते ही नहीं है ऑरेंज वाले, मुझे ऑरेंज वाले इतने पसंद है, और इनके यही वाले आते हैं पीले वाले फुलकियाँ। हाँ हैं, वो किसी को पसंद नहीं है। हाँ है, ये रही ये रही, ये रही प्याज, इसमें प्याज ये लो।
सो भाई ये था अवतार का छोटा सा मेन्यू, और इस छोटे से मेन्यू के वक्त जो है ना आज हम सब एक साथ मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि कोई कब आ रहा है कोई कब आ रहा है, लेकिन अफतारी से पहले सब पहुंच जाते थे, लेकिन आज जो है ना अफतारी से बहुत पहले सब मौजूद थे घर पे। और आज की जो अफतार का सबसे अच्छा मेन्यू था वो ये था, लॉन्चुड़े। भाई मुझे बड़े पसंद है लॉन्चुड़े। एक तो ये वाइट वाली दही बड़ी की जो बुनकियाँ होती हैं वैसी होती है, और एक होती है ऑरेंज वाली। ऑरेंज वाली थोड़ी सी जो है इस मुकाबले में थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन नरम होती है वो फिर भी। और इसकी सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है ये वाली चटनी, जिसको आप समोसों के साथ भी खा सकते हैं और इस लॉन्चुड़े के साथ भी खा सकते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ के पसंद है, और आप लोगों को आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो रही है अफ्तारी, और इफ्तारी के अलावा देखिए ये वाले थे जो मैं बोल रही थी ऑरेंज वाले, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं भाई, मुझे तो भाई बड़े पसंद है। इसके अलावा बारी आती है अब भेलपूरी की। भाई भेलपूरी जब से हमारे फर्स्ट टाइम आई थी ना जब अभी रमज़ान में, तो तब से ही हम लोगों ने जो है ना वो कर लिया कि ये जो है ना हम लोग ज़रूर खाएंगे, क्योंकि भाई बड़ी मज़ेदार होती है। इसकी जो लोकेशन है ना वो मैं भाई से पूछ के बताऊँगी, क्योंकि मुझे अभी खुद भी नहीं पता इसकी लोकेशन, और मिलती हूँ आपसे इफ्तारी के बाद। सो इफ्तारी हो चुकी है, इफ्तारी होने के बाद जो है ना अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्कॉलरशिप का चेक। ये देखें जी, ये मैंने इसके अंदर दबा कर रखा हुआ था। सो ये देखें जी भाई, ये मेरा पहला स्कॉलरशिप का चेक है जो कि आ चुका है। और इस स्कॉलरशिप के चेक के लिए ना भाई बड़ी मेहनत करी मैंने, बड़ी मुश्किल से। जब शुरू में तो पता ही नहीं चला था कि समझ आना शुरू हुआ था, पेपर्स आ गए थे। और अब जो है ना माशाल्लाह से आपने दुआ करनी है कि मुझे अल्लाह ताला आगे और कामयाबी दे, और इंशाल्लाह ताला आगे और भी चीज़ें आएंगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। सो इफ्तारी हो चुकी है, इफ्तारी हमने देखा कि आज तो आज अपी आई हुई थी, तो सब चीज़ें मिक्स हो गई। जो हम लोग चख लेते ना अच्छी होती तो हम अपी के आने पर मंगवा दें, जैसे भेलपूरी अच्छी थी तो हमने अपी के आने पर भेलपूरी मंगवा ली। लॉन्चुड़े हम लोगों के बहुत शौक से खाए जाते हैं, तो लॉन्चुड़े जो है ना अब्बू जो है ना एक जगह से बंदी है वहीं से लाते हैं। और जलेबियाँ भी, जलेबियाँ मैं नहीं खाती, जो बात है मुझे जलेबी नहीं पसंद, लेकिन हाँ लेकिन अब मेरी जो बहन है ना उनको जलेबियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इफ्तारी हो चुकी है, अब चलते हैं थोड़ी देर नमाज़ पढ़ते हैं, और फिर उसका मैं ये सबको दिखाती हूँ कि इसके अंदर ये क्या क्या आया है, और फिर देखते हैं सबका रिएक्शन। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, देखो मेरा स्कॉलरशिप का चेक। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तुम्हें इसी तरह कामयाब करे और मेरे अगले दो साल तक चेक आते रहे। भाई मैंने ऐसी निकाल ली अपनी फीस, आमीन। भाई सबके बहुत ठंडे रिएक्शन थे, क्योंकि सबने जो है ना सब फीस बढ़नी है इससे, नो डाउट। भाई मैं फीस भर के आपको दिखाऊंगी अपना वाउचर, बहुत बदतमीजी करिए कल से जब आइए रोस्टिंग करी जा रही है। सो कल बहुत ठंडे रिएक्शन थे, क्योंकि इसकी वजह से उसने मेरा बैग चेक करके सबको बताया, मैंने उसको आगे बताया था कि मेरा स्कॉलरशिप का चेक आया है। जितना सबका ठंडा रिएक्शन था ना इसने बताया सबको, मैं बता रही हूँ सच्ची, सबको इसने बताया, बहुत बदतमीज है। मैंने सोचा था मैं घर पे आऊँगी मैं बोलूँगी अम्मी जी अम्मी मैंने आगे अगले साल की फीस बचा ली, लेकिन इसने मुझे ऐसा कवाड़ा, मैंने सत्यानाश कर दिया मेरे प्लान का। सो चले चलते मिलते हैं थोड़ी देर बाद, इस व्लॉग को यहीं से एंड करेंगे। Many hours later. So, अफ्तारी हो चुकी है, अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं ज्वाइन किया तो चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो भैया बहुत तेज नींद आ रही है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई सहरी और व्लॉग के व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।